हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेवलर्स टाउन। तो अभी शुरुआत हो चुकी है एक सपनों की राइड की। तो ये आपको थंबनेल देख के तो पता लग ही गया होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो अभी हम हैं अजमेर में, और अजमेर से आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है चंडीगढ़। तो हो पॉसिबल हुआ तो चंडीगढ़ से आगे भी जाने की कोशिश करेंगे, वरना चंडीगढ़ तो पहुँचना ही है कैसे भी करके। और आगे कुछ फ्रेंड हमारे वेट कर रहे हैं लगभग 30-40 किलोमीटर बाद, तो उनसे मिलवाता हूँ। और बाकी जो हमारे साथ जा रहे हैं उनसे भी मिलवाता हूँ। तो अभी है NH-8 पे, जो हमें लेके जाएगा जयपुर दिल्ली, फिर दिल्ली के बाद में जाएंगे चंडीगढ़। और अभी जयपुर यहाँ से 105 किलोमीटर और है। बाकी मौसम भी अच्छा ही है, वैसे तो धूप तो आ रही है पर थोड़े थोड़े बादल है और बारिश जैसा मौसम भी है, बट आगे बारिश नहीं मिलनी चाहिए वैसे ही है। अगर बारिश मिल गई तो हमारे साथ सीन हो जाएगा बहुत बुरा वाला। तो आज बहुत दिनों बाद निकला हूँ, और वो भी कब से जाने की सोच रहा था वहाँ पे यार। अभी आगे एक फ्रेंड मिलेगा, देखते हैं कहाँ है। और आज जो हमारे साथ गाड़ियाँ हैं वो है हिमालयन, एक एक्सेस और मेरी वैनम। तो बाकी नाम तो बताओ, नाम कैसा लगा वैनम? तो ये जो नाम है वो देने वाले भी हमारे कुणाल भाई है। ये कुछ कुछ वैनम जैसे लगते थे, नाम भी वैनम ही रख दिया। तो अभी यहीं पे ही कहीं मिलेंगे अभिषेक भाई। कित्थे हो ब्रो, कित्थे कित्थे। उन्होंने यहीं की बोला था। हाँ ब्रो, बहुत बढ़िया। तो ये है हमारे कुणाल भाई और ये इनकी बाइक। चलो चलो चले चलो। तो अभी यहाँ से आगे जो है हमारे यश, वो आगे रुका हुआ है। चले अभी हमने जयपुर तो क्रॉस कर लिया है, और अभी जो ये रोड है वो है दिल्ली सर्विस रोड। ये
ठीक है, हमको जयपुर से बार बार से निकाल देगा तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से बिना ट्रैफिक लाइट के मस्ती से चलते रहेंगे। आगे भाई का जलवा देखो, लोग फोटो फोटो खींच रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और अभी जो ये लद्दाख की सीरीज होने वाली है बहुत तगड़ी होने वाली है यार, तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यहीं आगे रुक के कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। आज मेरे को दिल्ली में भी कुछ काम है, तो जो यश भाई है तो उसको मैं भेज दूंगा रिंग रोड से वेस्टर्न एक्सप्रेस वे से, जो कि रोहतक और सोनीपत उधर निकल जाएगा, तो उसकी इजी रहेगा, तो हम जल्दी से कवर कर लेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि मेरे को लेना है मेरे उसका ओलंजा का केस हीरो 10 का, क्योंकि जो 8 था वो हो गया पूरा डेड, तब देखते हैं क्या होता है। अभी इससे ही ब्लॉग आएंगे पूरे। ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे बहुत सारी अपनी गाड़ियाँ सारी, और ये रहे हमारे कोहे आगे ऐसे निपटाते हैं, फिर खाते फिर मिलते हैं मोटर व्लॉगिंग सेटअप पे। ये देखो मेरा जुगाड़, अब कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे को केस कहीं मिला नहीं था, कल जयपुर गया था तो अब ऐसे लगता के चला रहा हूँ, नहीं तो फिर आगे दिल्ली में घुस के करेंगे कुछ ना कुछ का जुगाड़। से किया था ब्रेकफास्ट, हम केदारनाथ आए थे तभी यहीं पे रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और अब यहाँ से लगभग कितना है, करीब 270 किलोमीटर और जाना है दिल्ली तक, फिर उसके बाद में इनको चढ़ा देंगे वहाँ पे एक्सप्रेसवे पे, और फिर हम शायद अम्बाला में मिले, तब देखते हैं कितना टाइम लगे। तो लो जी हमारे सफ़र का चौथा टोल, पर मैंने दिखाया ही नहीं है कि अब 3 टोल क्रॉस कर दी, ये तो हमारा चौथा टोल है। आगे ये वाला जो रोड है पूरा बहुत बेकार है, तो अभी यहाँ से पेट्रोल वगैरह फिल करवा लेते हैं क्योंकि एक पॉइंट बताने लग गया है। फुल कर दो, हैवी गाड़ी है सर, है हैवी है गाड़ी। हाँ कार्ड है कैसे, कार्ड है और पेट्रोल फिल करवा लिया, अब निकल रहे हैं। और आज पता है क्या हुआ, हम यश का इंतज़ार कर रहे हैं कि कहाँ पे, और वो भाई साहब जी पूरा करीब यहाँ से 40-50 किलोमीटर आगे पहुँच गया, तो अब उसको पिक करते हैं वहीं से, यही होता है। तो यहाँ से 13 किलोमीटर बाद लेना है लेफ्ट, तो यश को हम भेज देंगे तो चंडीगढ़ की तरफ, और हम दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि अगर क्योंकि जब तक फालतू में दोनों का टाइम ख़राब होगा हमारा, इस वजह से हम यश को भेज रहे हैं, तो यश सीधा वो एक्सप्रेस वे होते हुए निकल जाएगा, और हम सीधा दिल्ली जाकर अपना काम वगैरह निपटा के सीधा उसको वहीं पिक कर लेंगे। चल रहे बंदो, तो अभी यश गया पेट्रोल डला के, फिर ये निकल जाएगा अभी अम्बाला की तरफ, और हम भी जा रहे हैं दिल्ली में। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली की तरफ की राइड। तो अभी यहाँ से लगभग
163 किलोमीटर और जाना है, जो बता रहा है 3 घंटे। तो देखते हैं कितना टाइम लगे। गाड़ी में पेट्रोल फिल करवा रहा हूँ, यहाँ पे पेट्रोल 96 रुपीस है। अभी अजमेर से चली 320 किलोमीटर, तो सही है वैसे, एवरेज तो अच्छा दे रही है। पेट्रोल वगैरह तो पूरा फुल करवा लिया, अभी यहाँ से जाएंगे आयुष भाई के पास, उसके बाद में निकल जाएंगे वापस। यश को देखते कहाँ मिले वो, कहीं बीच में देखेंगे कहीं रास्ता वगैरह मिल जाए बस। तो चलो मिलते हैं थोड़ा सा आगे रास्तों पे। तो चलो दिल्ली में एंट्री हो गई है और हमारी जो शुरुआत हुई है दिल्ली में खूबसूरत तिरंगे के साथ। गजब बना हुआ है, तो आज की शाम ही हमारे यहाँ दिल्ली में हो गई। तब देखते हैं, अभी अंबाला है 204 किलोमीटर यहाँ से, तो कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं है, पर जितना जल्दी पॉसिबल होगा निकलने का यहाँ से तो निकलेंगे, क्योंकि ट्रैफिक के कारण इतना फंस चुके हैं यार, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, मेरे तो हाथ दुखने लग गए। और यहाँ ट्रैफिक इतना है यार हद से ज़्यादा, तो परेशान हो जाएंगे चला चला के गाड़ी। इससे बढ़िया गाड़ी हुई कहीं पार्क करते हैं, उसके बाद हमें जाकर आ जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता। क्या अभी डिनर करने के लिए रुके हैं, और गाड़ी की हालत देखो क्या हो गई है पूरी, कल धोखे लाया था और ये हालत हो गई पूरी। तो कुछ खाते पीते फिर मिलते हैं। तो यहाँ से भी किया था डिनर, बट व्लॉग करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, इसमें व्लॉग तो किया नहीं, बाकी खाना वगैरह तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ से हमने खाया था पनीर और रोटी, बस सिंपल सा। अब सीधा जाना है अंबाला नॉन स्टॉप, बस आगे कहीं पेट्रोल डलवा लूँगा 30 से 40 किलोमीटर बाद। तो अभी वापस हाईवे पे आ गए और मिलते हैं अब अंबाला में ही, क्योंकि रात में कुछ दिखेगा तो है ही नहीं, तो इसलिए अंबाला में मिलते हैं, वहीं करते हैं बात आपसे। ये अंबाला पहुंच गए और टाइम हुआ है 11:15। बहुत तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये यार मेरा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करना। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।